नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अफसर खान। दोस्तों, आज फिल्म का क्लाइमेक्स का सीक्वेंस शूट हो रहा है और जैसा कि आपने देखा भी, एक्शन सीन एक फिल्माया गया था और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हमारी जो फिल्म धाकड़ शेरनी है उसको प्रमोट कीजिए और हमारे दोस्तों भाइयों से ये गुजारिश है कि इस फिल्म का प्रमोशन कंटिन्यू अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में और सगे संबंधियों में बनाए रखें। दोस्तों, ये देखिए ये फिल्म का सेट है धाकड़ शेरनी, जो कि बनाया जा रहा है। काफ़ी मेहनत लग रही है एक एक शॉट में। अभी एक शॉट लिया था बट बराबर नहीं आया, लेकिन दोबारा ट्राई करेंगे। तो और इधर आइए, इधर जो हैं हमारे फिल्म के मेन विलेन जो हैं बैठे हुए, मिश्रा जी हैं। तो हमने जो भी हमारे कलाकार हैं थोड़ा मेहनत कर रहे हैं इसमें, और इसमें जो हमारे भैया जो हैं मेन विलेन का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिल्मी चेहरा इनका नाम कैसा है, बहुत पब्लिक जानती है इनको। और ये लवलीपा जी हैं, एक अच्छे स्टार, उभरते हुए स्टार हैं। और ये हैं इमरान भाई, और इमरान भाई भी अच्छे कलाकार हैं, कॉमेडी का रोल कर रहे हैं और इनकी दुआएं पूरी हो जाए इस फिल्म में। आमीन आमीन। चलिए ठीक है, बाकी मैं प्रणाम दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा मैं आज यहाँ आया हूँ पुरानपुर गाँव में, यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब अफसर जी के सानिध्य में मेरी पहली फिल्म है और आज सेट पर देखे, जो सेट का माहौल है, जो एक काम को देखकर का तरीका है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही एकदम नॉर्मल नेचर पूरे इंसान है, लोगों का सपोर्ट करते हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। चलिए, थैंक यू सर, दो ठो बात करेंगे। और लवली सर, इनको तो बहुत पुराने कलाकार हैं हमारे। मैं अफसर सर के साथ तीसरी पिक्चर कर रहा हूँ इस समय और बहुत अच्छा, इतना अच्छा कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा निकलवाते हैं, जो अगर जानवर को भी चाहे तो सुपरस्टार बना सकते हैं। और इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और हमेशा भाई की तरह इनको दर्जा देंगे अपना, इतना ही कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों, और मैं एक और कलाकार हमारे बीच में जो आए उनसे भी मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ, और हमारे फाइट मास्टर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं एक्शन टीम से हूँ और फाइट मास्टर हमारे हैं सुजार रिजाल जी, डायरेक्टर सर हैं, जिनके साथ ये हम लोगों की दूसरी मूवी है और बहुत ज़बरदस्त एक्शन और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है और फैमिली फिल्म है, जो आप देखेंगे तो लगेगा जो हाँ कोई फिल्म आया है। और इसके लिए दुआ दीजिए और आशीर्वाद दीजिए आप लोग डायरेक्टर सर को हमारे, जो हर साल कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन लेकर के आते हैं, जो हम सब एक साथ करते हैं और जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया हम एक्शन देते हैं। चलो भाई, अब शूट पर हम लेके चलते हैं। अब सीन फिर से क्रिएट किया जा रहा है, अभी एक शूट सीन क्रिएट किया था, वो ओके नहीं हुआ, तो फाइनली अब हम आपको फिर से सीन क्रिएट कराते हैं। और ये आ चुके हम लोग सेटअप पे, तो यहाँ पे एक कैमरा ऊपर से लगाया गया है ट्रॉली पर और एक ये सामने और एक ये, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे साथ पुराना चेहरा फिर से आ चुका है, रणजीत जी। मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, रणजीत जी हमारे साथ हैं और ये हर फिल्म में है, आपने पहले भी देखा होगा इनको, और जो पीछे सूरमा करी थी उससे भी, और एक हम लोगों ने वो कौन सा एपिसोड किया था, विश्वासघात क्राइम पेट्रोल वाला, तो उसमें भी ये थी। तो मैम आप बताइए, हमारे यहाँ पूरमपुर में आती हैं, कैसा लगता है और शूटिंग कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छा लगता है, पुराने जो टीम में मेरे साथ काम कर रहे हैं उन लोगों से मिलके अच्छा लगता है, फिर एक नए व्यू पर काम कर रहे हैं। इस बार जो पिक्चर बन रही है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से, कि कोई लड़की है वो बहुत ज़्यादा उसको समाज डैमेज करता है और फिर किस तरीके से वो पढ़ती है लिखती है और फिर मेहनत करके संघर्ष करके एक स्पेक्टर बन जाती है और फिर अपने दुश्मनों से बदला लेती है। एक बहुत नई स्क्रिप्ट है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, बिल्कुल मज़ेदार। तो मतलब कुल मिला के ना, अगर इस पिक्चर को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। और ये ऑफिशियली फीमेल के लिए सबसे ज्यादा, फीमेल के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल फिल्म को भी सपोर्ट करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, हमारे जो टीम मेंबर है उनको तो जरूरी सपोर्ट करना है आपको।
तो चलिए मैम, थैंक यू सो मच आप आए। और कहाँ से आए? लखीमपुर से। लखीमपुर से मैम, लखीमपुर की हैं तो फाइनली लखीमपुर से आती हैं। जब भी फोन करते तो मैम जरूर आती हैं, चाहे छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मैम का दिल बहुत बड़ा है जो आ जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी इनके बहुत काम रहते हैं और लेकिन तब भी ये हम लोग के लिए टाइम निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। ओके बाय। चलो मैं फोन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉक्स की एक दीवार बनाई जा रही है जिसके ऊपर गुंडे मतलब फेंके जाएंगे या गिरेंगे जो भी है। तो ये कैमरा यहाँ सेटअप लग चुका है और यहाँ पे अपनी इसको क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा नाम, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। और एक कैमरा सेटअप यहाँ पर लगा है, एक कैमरा और लगेगा और ये लाइटिंग की गई है उसके लिए कुछ। ये पूरा यहाँ पे टीम चल रही है, एक लाइट ये है यहाँ पर और ये मास्टर सर जो है अपने फाइट मास्टर, तो ये बता रहे हैं कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है और देखते हैं अभी। और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत कुछ होगा, तो यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं बाहर की कितनी है और बाकी लोग सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों हम सर को वहाँ से पकड़ के खींच के लेके आए हैं और बड़ा सा हमने क्या, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मतलब ये मेन है जो फाइट मास्टर करते हैं, तो ये यही सारा बताते हैं कैसे करना है, कैसे क्या नहीं करना है, कौन सी स्टेप करनी है। तो सर ये बताइए आपको हमारे पुरमपुर में आके कैसा लगा? पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का वातावरण, यहाँ का आदमी का व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा क्या बताए। अच्छा सर ये बताइए आप, मतलब आपने तो बहुत सारी फिल्में करी होंगी जी, और बहुत अच्छी अच्छी भी करी हैं और बेकार में कुछ आती हैं कुछ नहीं भी आती हैं जिसमें, तो आपको यहाँ का मतलब कुछ माहौल कैसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आप फाइट कर रहे हैं और आपने क्रेन पे भी दो को बांध के फेंका हमारे सब्सक्राइबर ने देखा जैसे कि, तो आज क्या होने वाला है यहाँ पे नाइट में, आज क्या होने वाला है? अब देखिए ये है क्लाइमेक्स चलने वाला है, ये क्लाइमेक्स का जो है ना ये इंडोर वो है लोकेशन है, यहाँ ताम झाम हो रहा है, लाइट वो सेटिंग हो रहा है, अब थोड़ी देर में फाइट होने वाला है। अब ये क्लाइमेक्स कम से कम मेरे तो ख्याल में सर जैसा कह रहे हैं यहाँ पे अब क्लाइमेक्स शूट होगा, तो सर के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप देखते हो और हम चाहते हैं इन्होंने पिछली फिल्म में भी काम करा और आगे जो बने उसमें भी ये आए, क्योंकि इनका बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हमने सेकेंड टाइम को बुलाया, थर्ड टाइम भी आगे भी हम चाहेंगे इन्हीं को ही बुलाएं सर को। ये कंपनी के लिए तो मैं फिक्स ही हूँ, प्रोडक्शन हाउस जैसे हो गया है ये कंपनी के लिए। तो चलिए फिर सर आइए देखते हैं और कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बढ़िया।